जाके टिकी है जरा जरा, जरा इनको अरे रुक जाइए भाई साहब टिकी रहे अरे तो कोई फर्क नहीं भावी पड़ता भावी है वो सुई टूट गई है।, है उसको छुड़ा वो सुई टूट गई है अरे सुई टूट गई है विश्व शंकर जी जरा इनको आईना दिखाइए और साथ ही ये भी बताइए ये फैसला कितना बड़ा क्या ज्ञान की तरह सब कुछ सच सामने आ जाएगा देखिए ये एक सिविल सूट है और मैं अपनी बात लीगली रखना चाहता हूं मैं आपको पहली क्लियर क्लियर कर दूं कि मैं यहां पे किसी के साथ कोई डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब दूंगा और अपनी बात आपके सामने क्लियरिफाई करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी बात फैक्ट और तर्कों के आधार पर रख रहा हूँ जो यहाँ पे बाकी लोग हैं उनसे मैं यहाँ पे कोई तूतू महनमे की डिबेट नहीं करना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो जमीन है वो थर्टीन पॉइंट थ्री सेवन एकड़ जमीन है जिसको 1669 में औरंगजेब ने तोड़ने का फरमान दिया था और वो फरमान डॉक्यूमेंटेड है मजरसे आलमगिरी में वो फरमान लिखा हुआ है और उस फरमान में लिखा था जाओ जाके मथुरा के मंदिर को तोड़ दो और जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं आगरा के जहनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो कुचलते हुए जाए इसके बाद सत्रह सो सत्तर में बैठे और मराठा अठारह सो तीन में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अट्ठारह में एक ऑप्शन हुआ बड़ी बात बता रहा हूं आपको राकेश जी 1815 में ऑक्शन किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 13.37 एकड़ जमीन का और उस ऑक्शन में राजा पटनी मल बनारस के राजा ने इस पूरी संपत्ति को खरीद लिया इस पूरी संपत्ति का टाइटल उनके पास है आपने ऐसा बहुत ही विचित्र केस देखा हो आदमी के पास है और पोजेशन किसी और के पास है। आज टाइटल डॉक्यूमेंट हमारे पास है और दो एकड़ में अवैध कब्जा करके का मस्जिद बैठी हुई है इसके बाद राजा पटनीमल के जो वारिस हैं उन्होंने पूरी संपत्ति दी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण हुआ था उन्नीस में इस लक्ष्य के साथ की वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए 1958 में एक फर्जी संस्था बनाई गई श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने कॉम्प्रोमाइज किया 12 अक्टूबर 1968 को जिसमें उन्होंने कहा कि जहां तक शाहिद का मस्जिद के लोग घुस आए हैं वो उसमें वहां पे काबिज रहे बाकी एरिया में हम काबिज रहेंगे हमने जब रिसर्च की तो हमने ये पाया कि ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये इलीगल है अवैध है देवता की संपत्ति के साथ किसी को कॉम्प्रोमाइज करने का हक हाँ नहीं है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्नीस सौ नब्बे में जजमेंट पारित करके ना, ये आदेश नहीं। नहीं ना, दिया था इसके बाद पच्चीस सितम्बर दो हजार बीस को सिविल सूट फाइल किया गया मथुरा में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुपालन में जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है की अगर कोई चीज फ्रॉड से ऑप्टेन की गई है तो उसको कभी भी कोर्ट में विष्णु जी एक चीज मुझे बताइए और जिसमें जिसमे देश के लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है अट्ठारह तारीख को कोर्ट कमिश्नर वकील कौन कौन होंगे ये सब कुछ तय हो जाएगा उसके आगे क्या होगा क्योंकि बहुत जगहों पर जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है आपके जितना तो नहीं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया प्राचीन केशव देव मंदिर वहीं पर गर्भगृह था और मंदिर का ही मलबा इस्तेमाल किया मस्जिद को बनाने में तो क्या जब वीडियोग्राफी होगी और जिस तरीके से जो लोग जाते हैं मथुरा दर्शन करके आते हैं तो वो सब सच उसी तरीके से सामने आएगा जिस तरीके से बाबा के प्रकट होने की बात में आ गई थी तो आगे क्या क्या सामने आ सकता है जरा वो बताइए देश के लोगों को देखिए हर केस के अपने इंडिविजुअल फैक्ट्स होते हैं अगर आज मैं ज्ञान व्यापी के फैक्ट्स यहाँ पे बताऊंगा तो मुझे लगता है लीगली मैं जस्टिस नहीं करूंगा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की के अपनी हिस्ट्री है अपने फैक्ट्स हैं ज्ञान व्यापी की अपनी हिस्ट्री अपने फैक्ट्स है अयोध्या की अपनी हिस्ट्री अपने फैक्ट्स है तो ये जो केस है हम इस केस की हिस्ट्री और फैक्ट्स के आधार पर लड़ रहे हैं जब वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा वीडियोग्राफी होगी फोटोग्राफी होगी तो जो वहां की वस्तु स्थिति है वो कोर्ट के सामने स्पष्ट होगी मैं आपको के के बताना चाहता अच्छा हूँ ये सारी चीजें जो होंगी वो प्रेजेंट स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हो रही है तो इनको कोई प्रेजुडिस नहीं कॉज होने वाली है और अगर उस उस जगह पे जब सर्वे होगा एडवोकेट कमीशन का तो कोर्ट के सामने रिपोर्ट तलब की जाएगी कोर्ट